तो भाई वैलोरेंट का नया पैच या नया एपिसोड इट्स आउट, ठीक है, क्या मिलेगा कौन देखते हैं सब चीजें, ठीक है। ठीक है जैसा भी है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। पूरा एपिसोड, पूरा 6 एपिसोड में रैंक नहीं खेला तो प्लैट तो मतलब चलो ठीक है। ओ अच्छा, ये उससे सिनेमैटिक से लिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ठीक है। पहले किंगडम पॉइंट्स जो हमें बताए थे, ये लेने कैसे हैं? पर चेक पॉइंट, ठीक है, 1000 एक्सपी पे शायद 1 चेक पॉइंट है और टोटल 4 चेक पॉइंट्स है, इसका मतलब 600 मिल सकते हैं हमें डेली, ठीक है। वीकली मिशंस भी हैं, ठीक है ठीक है, ये चीज़ ठीक है। किंगडम क्रेडिट पॉइंट्स लिमिटेड टू 10,000, एजेंट्स, रिक्रूट, ओके ओके, हम यहां से भी वो कर सकते हैं ना, व्यू गियर, मैं यहां तक तो बाय कर सकता हूं। अरे कोई स्पेसिफिक वो नहीं बाय कर सकते क्या? एक्सेसरीज, ओ ये भी देखनी थी सच, ये मतलब ठीक है, चलो कोई आपको कार्ड पसंद आ जाए पुराना या ऐसा कुछ, बट मुझे इसका कुछ ज़्यादा एक्सेसरी का फायदा नहीं दिखता, अनलेस इसमें स्किन्स होती, ठीक है, स्किन्स होती तो भाई औरों के लिए बहुत बेनिफिट रहता, लोग काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करते वैलोरेंट अगर फ्री स्किन्स आती इसमें। बेशक थोड़ी सी महंगी आती, ठीक है, किंगडम पॉइंट जो थोड़ी सी महंगी आती, बट 10,000 की लिमिट तो होनी चाहिए थी क्योंकि 10,000 इज यू नो लास्ट लिमिट यू कैन कलेक्ट योर किंगडम पॉइंट्स। अब एजेंट्स, अच्छा मेरे को एक्सपी ही ग्राइंड करनी है, एंड्स इन 27 डेज, 27 डेज में 2,00,000 एक्सपी हो जाएगी किंगडम पॉइंट्स से। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, पहले इसके लिए ग्राइंड करो, ठीक है, फिर किंगडम पॉइंट से इसको अनलॉक करो। वाह वाह वाह, चलो वो तो एक्सपी ग्राइंड करते करते किंगडम पॉइंट्स भी आ जाएंगे, बट भाई हेलो, कुछ भी मतलब फ्री के बंदों के लिए तो भाई तुम मार लो भाई तुम। खैर चलो, अभी स्टोर न्यू स्किन्स, यार मेरे को पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी भाई ये, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी भाई ये, इतनी मतलब इतनी खास नहीं है, इतनी खास नहीं है, पर ठीक है। टीम डेथ मैच आ गया, वो भी अभी ट्राई करेंगे, बट उससे पहले मेरे को एक बार देखना है कि जैसा मैंने सोचा था कि ओवर हाइप्ड है, ठीक है, मुझे लगता है कि जो ये डेड लोक है ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड है, बट लेट्स सी कि कितना ओवर हाइप्ड है कितना नहीं। मुझे लगता है एबिलिटीज़, मुझे सिर्फ एक एबिलिटीज़ की अच्छी लगी, जो वो सोनिक बूम है जहाँ पे एक साउंड क्रिएट होगी तो वो मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको क्रिएट कर देता है जैसे कुछ भी साउंड होती है, तो ये वाली क्यू एबिलिटी मुझे काफ़ी सही लगी। इसकी भी एक रेंज है क्या, अगर उस रेंज में आए तो साउंड सेंसर अप, ओके, इसको नीचे नहीं लगा सकते जमीन पे,
ये दीवार पे लगेगा। ओके इसको लगाना भी यहाँ पड़ेगा, लाइक यहाँ लगा सकते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि यहाँ तक फेसेस आते हैं। लिसनिंग, ठीक है ठीक है, समझ गया। नो सेंसर ट्रिप्ड। ठीक है ठीक है, ये सिर्फ यही एबिलिटी मेरे को ठीक लगी थी। और एक ये है जो ब्लॉकिंग मूवमेंट। एक मिनट, इसके पार मैं भी नहीं जा सकता, इसके पार मैं भी नहीं जा सकता, तो भाई मेरी एबिलिटी का क्या फायदा, तुम ये बताओ। मेरी ही एबिलिटी मेरे ही काम नहीं आ रही। ये तो वो है बस किसी स्काई डॉग वगैरह के लिए रोकना हो या कुछ भी हो। और इसकी ड्यूरेशन अगर मैं भी देखूं तो ठीक है, काफ़ी काफ़ी अच्छी ड्यूरेशन है इसकी, मतलब होगी 15-20 सेकंड की तो होगी, 15-20 सेकंड की, हाँ इतने ठीक है। No escape. इसका भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, इसका भी। वैसे भी भाई लोग क्राउच करके ना किसी को ऐसे मारना होता है ना भाई, लोग क्राउच कर लेंगे फिर हेडशॉट मारेंगे, क्राउच कर लेंगे फिर हेडशॉट मारेंगे, अरे मतलब हेडशॉट। मेरा एम बहुत बेकार है तो जज ना करें, तभी मैं प्लेटूं, ठीक है। अल्टीमेट हम डायरेक्ट भी मार सकते हैं, हम डायरेक्ट भी मार सकते हैं ना। ये क्या कर रहा है? अच्छा दीवार से वो भी ये करना हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये काइंड ऑफ दीवार से ज्यादा वो है फैसिनेटेड। इतने में तो भाई कोई टीममेट इसको तोड़ देगा भाई, बड़े आराम से इसको तोड़ देगा। इसका अल्ट जहां तक मेरे को लगता है, देख ये भी इसका सबसे गंदा बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई और टीममेट है तो इसके अल्ट का ज्यादा कुछ यूज नहीं है। और ये भी 7 points का है, 7 points का अल्ट है। किसी को अगर उसका टीममेट जिंदा है वो वहां से भाई इसको आराम से करके तोड़ देगा भाई। मैं मान सकता हूँ इसका सिर्फ 1v1 में ज़्यादा बेनिफिट है, 1v1 में ठीक है। मैं मतलब वो बचने के जो चांसेस है वो कम रह जाएंगे, क्योंकि उसको तोड़ने वाला जो इसका टोर्नेडो उसको तोड़ने वाला कोई नहीं होगा। बट भाई उसके अलावा मेरे को और 1v1 सिचुएशंस बहुत कम होती हैं, लाइक कितनी ही होती होंगी, क्या चांसेस रहेंगे कि आप ही 1v1 में लास्ट में बचो, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, आप ऐसे चांसेस क्रिएट भी नहीं कर सकते। बाकी ठीक है भाई, मेरे को ये वाली एबिलिटी मतलब इतनी खास नहीं लगी भाई। इसके थ्रू अगर मैं भी नहीं जा सकता ना, फिर तो भाई बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई, मैं बता रहा हूँ। मेरे को सिर्फ ये सोनिक सेंसर, क्या नाम है इस एबिलिटीज का, क्या नाम है इसका, नाम मेरे को अभी पता नहीं, पर मेरे को ये सबसे सही लगी भाई, सबसे सही एबिलिटी लगी मेरे को ये। स्ट्रैप करो, सेंसर ट्रिक वो देखो। बाकी इसका तो मेरे को कोई काम ही नहीं लगा भाई, खैर क्या ही करे। एक टीम डेथ मैच के लिए जाना है, टीम डेथ मैच का मैप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बस मेरा इतना ही था, ठीक है। मेरे को बस ये दिखा रहा था कि जो कि ये है नया एजेंट डेडलॉक के, ओवरहाइप्ड है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, पर मुझे नहीं लगता भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइक चेंबर और किल जोए का, तो भाई किल जोए इसको बहुत आराम से हरा देगी, किल जोए बहुत आराम से हरा सकती है, चेंबर इसको बड़े आराम से हरा सकता है। सेज का मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसकी एबिलिटीज लाइक मोस्ट ऑफ वैसी दूसरी काइंड ऑफ एबिलिटीज है उसकी, पर चेंबर और दूसरे इवन भाई साइफर इसको बड़े आराम से हरा सकता है। जब भी कोई नया एजेंट आता है हम ये सोचते हैं कि भाई वो ओवर पावर्ड एजेंट है, ओवर मतलब ओवर ही एजेंट है। जैसे चेंबर आया था भाई, चेंबर को अभी जब वो एक टीपी वाला नर्फ और वो ऐसा वाला नर्फ मिला ना जिसमें मतलब अल्ट में बहुत टाइम लगता है रिलोड करने, भाई तब तक लोग उसको खेल रहे थे भाई,
उसकी इतनी ओवर पावर्ड था भाई, वो उसको इतने नर्व दे दिए थे, फिर भी भाई लोग वीसीटी में ले रहे थे, गेम प्लेज में ले रहे थे। अब जाके भाई वो इतना, मतलब उसको मिट्टी में मिला दिया, अब जाके उसको खेलना बंद हुआ है भाई। तो इतना ओवर पावर्ड एजेंट लेके आना, गेको को भी लोग खेल रहे, ठीक है, उसका ऑल्ट अच्छा है भाई, सारी एबिलिटीज अच्छी हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, फ्लैश इतना सही है, हालांकि वो उसकी भी अपने अपने नर्व्स हैं, पर भाई मुझे मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरा एजेंट है, अच्छा एजेंट है, पर मुझे सिर्फ एक एबिलिटी के, ये सोनिक, जो ये सोनिक साउंड वाला जो भी एबिलिटी है मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं पता भाई इनके क्या है, मैं सोनिक साउंड बोलूँगा, ठीक है, जो भी साउंड डिटेक्शन एबिलिटी है जो भी है, मुझे इसके अलावा और किसी चीज़ का इतना बेनिफिट नहीं लगा, किसी भी चीज़ का। इसका इसका इसकी सी एबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसे मूव तो कर सकते हैं ना, हाँ मूव तो कर सकते हैं। इसमें गेको की मोली के साथ अगर किसी, जो वीसीटी में प्रोज हैं वो काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि ये फेंक दिया और इसके अंदर जो भी आ गया उसके अंदर मोली फेंक दो, तो काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है इसकी, इसका, इसकी भी मोली का, जो ये अटैच्ड मोली है जो क्राउच करने में हेल्प करती है, पर वो भी लाइक भाई कॉम्पिटिटिव गेम्स में कौन ही ऐसे मतलब बिल्कुल वो करता है कि कॉम्बोज मार के चलता है, कोई कोई होंगे जो फ्रेंड होंगे भाई खेलते होंगे, वरना आप रैंडम के साथ खेलो भाई आपको तो रैंक डाउन करवाने में लगे रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, बस इतना ही कहना था मेरे को कि मेरे को पहले से ही लग रहा था कि जब मैंने इसकी वीडियो देखी, एबिलिटी देखी, कि ओवर हाइप्ड है, ओवर पावर्ड तो नहीं, ओवर हाइप्ड है ये जो नया एजेंट है, और बस इतना ही। लो भाई